भागलपुर जिला के टॉप 10 की सूची में शामिल 25,000 के इनामी अपराधी और पूर्व से 16 कांड में अभियुक्त कुख्यात अपराधी भूषण यादव को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस द्वारा कई मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी और कांडों के उद्भेदन से जुड़ी जानकारी साझा की। SSP ने बताया कि भागलपुर के टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी कुख्यात भूषण यादव को गिरफ्तार करने के लिए CTSP और DSP विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गंगापार इंग्लिश दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात भूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस जब्त किया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त भूषण यादव सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश गाँव निवासी छोटेलाल यादव का पुत्र है और इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। SSP ने कहा कि भूषण यादव के खिलाफ सबौर थाना में हत्या, रंगदारी और लूटकांड से संबंधित 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दंगा, घर पर अतिक्रमण, रंगदारी एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है। आनंद कुमार ने बताया कि कहलगांव के घोगा थाना में आर्म्स एक्ट और सबौर थाना में मद निषेध से संबंधित मामले में भी पुलिस को इसकी तलाश थी। साथ ही SSP ने कहा कि छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों, DIU प्रभारी, सशस्त्र बल और पुलिस अधिकारी एवं सिपाहियों को पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान वो लगातार चल रहा है और इस क्रम में 3 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और उसमें सबसे बड़ी सफलता यहाँ के टॉप 10 अपराधियों में शुमार भूषण यादव की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है और इंग्लिश देरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और जो भूषण यादव है उसका जो आपराधिक इतिहास है वो 25 साल लंबा है। जो पहला उसने क्राइम किया था 1998 में और जो आखिरी जो हम लोग के पास जो केसेस की सूची प्राप्त हुई है आखिरी जो उसका केस है वो 2023 का है। 25 सालों से यह अपराध की दुनिया में है और इसके ऊपर कुल 16 कांड, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी, इन सभी मामलों आर्म्स एक्ट के, विस्फोटक अधिनियम के कुल 16 मामले इसमें दर्ज हैं और इसमें CTSP साहब इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। जो विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसमें SHO सबौर, विवेक और अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और एक बड़े क्रिमिनल की जो टॉप 10 में भी शामिल था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से घोषित है। मिशन सुरक्षा के तहत भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोडेड देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ 8 कांडों में अभियुक्त मोहम्मद फरहान को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ पूर्व से चोरी, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित कुल 8 कांड दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मद फरहान हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक स्टेडियम में हथियार के साथ खुलेआम घूम रहा है, जिसके बाद सूचना की सत्यापन की गई और कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि टीम द्वारा चमेली चक स्टेडियम से हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौजम चक निवासी शमशाद अली के पुत्र मोहम्मद फरहान उर्फ तंजीम अली को एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और 2 ड्रिल मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि फरहान के खिलाफ हत्या, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के अलावा भी कई मामले मोजायदपुर, ततारपुर, हबीबपुर समेत अलग अलग थाने में दर्ज हैं। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाधीक्षक उदयकांत मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को आपदा से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अग्नि से सुरक्षा के लिए विशेषकर अस्पताल से निकले वेस्ट मटेरियल्स को जलाने नहीं बल्कि बायो तकनीक विधि से डिकम्पोज करने का निर्देश दिया।
साथ ही उपाध्यक्ष ने सभी सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक उपाय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन दिनों अस्पताल में आग लगने की घटना में काफी वृद्धि हो गई है, जिसको रोकने के लिए पूर्व से ही समुचित तैयारी की जानी चाहिए। बैठक में भूकंपरोधी मानक के अनुसार ही भवनों का निर्माण करने के लिए सभी को जागरूक करने की बात कही गई। साथ ही भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के सहयोग से एक टीम तैयार कर सभी पुराने भवनों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक कार्य करने को लेकर चर्चा हुई और जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नगर आयुक्त भागलपुर, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बहरापन एवं गूंगापन आज के दौर में एक अहम समस्या है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर उम्र के लोगों को बहरापन एवं गूंगापन की वजह से जीवन जीने में परेशानियां होती है। इसी परेशानी से छुटकारा के लिए निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर भागलपुर की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर के बहरापन एवं गूंगापन विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सुनने एवं बोलने की बीमारी से जूझ रहे सभी मरीजों की निशुल्क जांच कर परामर्श दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर ऋषि ने बताया कि शिविर के दौरान पहले 50 मरीजों को मुफ्त मशीन भी लगाया जाएगा, जिससे उन्हें सुनने की समस्या से निजात मिल सके। बता दें कि शिविर का आयोजन बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक वाली गली में निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर में किया जाएगा। पहले भी निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की ओर से मानव सेवा के उद्देश्य से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। ये शिविर जो हमारा है, ये वैसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको समस्या होती है निजी जीवन में बोलने या सुनने से रिलेटेड, तो उनके लिए ये शिविर रहेगा। जो बच्चे पैसे के अभाव में या किसी और कारणवश आर्थिक स्थिति के कारण अपना इलाज ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए ये मुफ्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के 50 क्लाइंटों को मुफ्त में मशीन वितरण करेंगे। संडे 3 तारीख पड़ रहा आपका, 3 मार्च को ये आयोजित होगा, क्लिनिक पर ही आयोजित होगा, जो बड़ी पोस्ट ऑफिस निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के पास सेवा दी जाएगी। कैंप में आपको सुविधा मिलेगी, निःशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी, यानी कि जिन बच्चों को सुनने में या जिन उम्र के लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, उनकी निःशुल्क जांच की जाएगी,
उनका हियरिंग सेंसिटिविटी कितना है वो चेक करके करके बताया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी कि उनको मशीन की आवश्यकता होती है सुनने के संदर्भ में, तो उनको मशीन भी मिलेगी। एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर भागलपुर में अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है। इससे इतर गुरुवार को यूपीएसटीएफ की टीम ने नवगछिया पुलिस के सहयोग से भागलपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में फरार चल रहे एक सिपाही को गिरफ्तार करने के लिए नवगछिया में दबिश दी गई और नवगछिया जेल में 2017 बैच के सिपाही नीरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी सिपाही से पुलिस और एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। बिहार में लाइब्रेरी साइंस के छात्रों और लाइब्रेरियन के पदों की बहाली को लेकर गर्माहट तेज है, जिसको लेकर गुरुवार को छात्रों ने लाइब्रेरियन बहाली के मांगों को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी छात्र पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में गोलबंद हुए, जहां से उन्होंने बिहार सरकार से अविलंब बहाली की मांग की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन में आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने रोका भी, लेकिन वे कारगिल चौक पर धरना देकर अपनी मांगों के पक्ष में विरोध प्रकट करते रहे। छात्रों की मांगों के अनुसार बिहार में लाइब्रेरी की बहाली लंबित हो रही है, जिससे लाइब्रेरियन के कई पद खाली हैं और बहुत से छात्र प्रदेश में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सरकार के द्वारा 2008 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें लाइब्रेरियन की बहाली को अनिवार्य माना गया था, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर यह बहाली नहीं हो रही है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए कहा कि यदि सरकार उनके मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में विधानसभा के बाहर धरना दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रदर्शन में छात्रों के अलावा लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत कौद्रा भिट्टा गांव में 5 दिन पूर्व भीषण आग लगने पर 65 घर जलकर राख हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। घटना में अपना घर गवा बैठे सभी पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा सहायता राशि मुहैया कराई गई है। इसको लेकर मुखिया अरविंद मंडल ने बताया कि भीषण आग लगने पर 65 घर जलकर राख हो गए थे, जिसमें तबाह सभी पीड़ितों को प्रखंड विकास पदाधिकारी खुशबू कुमारी के आदेश पर एमओ कृष्णानंद आनंद के द्वारा 3-3 क्विंटल चावल और आपदा के तहत घर बनाने के लिए 11,000 रुपए का चेक सहायता राशि के तौर पर दी गई। इसके अलावा 8,000 रुपए का चेक बर्तन लेने के लिए बाद में दिया जाएगा। इस दौरान पीड़ित परिवार ने अधिकारियों एवं सरकार का धन्यवाद किया।